इस टॉप को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है सैंड ऑन मटेरियल। यहाँ पर मैंने 1 मीटर का फैब्रिक इस्तेमाल किया था एंड 1 मीटर में हमें बहुत ही सुंदर सा टॉप ये रिसीव हो जाएगा, बहुत इजीली हम बना सकते हैं। इसे हमें एक बार फोल्ड कर लेना होगा, फिर दोबारा फोल्ड कर लेना होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने एक बार ही सबसे पहले इस तरीके से चौड़ाई से फोल्ड किया था, फिर लंबाई से फोल्ड कर लूँगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे हम हैंडकरचीफ फोल्ड करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें हमारे कपड़े को फोल्ड करना होगा इस तरह का एक्सटेंडेड स्लीव, बहुत ही ब्यूटीफुल नेक पैटर्न का टॉप बनाने के लिए। सो यहाँ पर हमने इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद एक साइड बंद होगी, एक साइड खुली हुई। बंद साइड पे आप अपनी कोई भी कुर्ती को रख लें एंड मार्किंग कर लें। यहाँ पर वो क्लिपिंग मुझसे मिसप्लेस हो गई है, इसीलिए आप देखें, आप जब कुर्ती रखेंगे तो कुर्ती की साइड की फिटिंग आपको मार्क करनी होगी। उसके बाद आस्तीन जितनी होगी, आस्तीन को फैला लेना होगा एंड आस्तीन को भी मार्क करते हुए जितनी लंबी आपकी आस्तीन है उतना लंबा आपको मार्किंग करके कटिंग कर लेना होगा। सो यहाँ पर आप देख लें, जितनी लंबी मेरी आस्तीन थी उतनी ही जा रही है, उतनी ही मैंने लिया है एंड जितनी चौड़ाई थी मेरी बॉडी की उतनी मैंने ले लिया है। ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं कोई भी शेप ना बॉडी का ना आस्तीन का दे रही हूँ, सेम आप ऐसे ही रखें। आप इनफैक्ट 2-4 इंच लूज़ रखें, मेरी जितनी भी आस्तीन थी उससे मैं 2 इंच लूज़ रखा है, कमर जितनी भी थी उससे 2-3 इंच लूज़ रखा है, क्योंकि यही इस टॉप का पैटर्न है। गले के लिए मैंने लंबाई ले लिया है 4 इंच की, चौड़ाई ले लिया है 3 इंच की, इसे भी मैं कट कर लूँगी। इसी तरीके से आप देख लें, हमारे टॉप की ऑलमोस्ट फेयर कटिंग हो चुकी है। जब मैंने इस टॉप को खोला तो ये बहुत ही काफ़ी बल्की सा लग रहा था, आपको भी नज़र आएगा, पर डरे मत, जब हम इसकी पूरी सिलाई करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो गले की ओर आपको छोटे छोटे चुन दे देना होगा, गला बहुत ही चौड़ा एंड फैला सा है। लंबाई आप गले की और भी ज़्यादा ले सकते हैं एंड चौड़ाई भी आप 3 इंच से ज़्यादा 1-2 इंच ले लीजिए। अगर इस तरह का चुन देने के बाद जो गोलाई है वो अगर आपको कम पड़े तो। सो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे चुन दे दिया है, आप देख लें कितना प्यारा लग रहा है बीच के सर्कल में ऑल ओवर। अब गले पे एक पैटर्न ड्रॉ करना है, तो उस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पट्टी की ज़रूरत होगी। तो बचे हुए कपड़े से मैंने ये 2 पट्टी निकाल लिया है, दोनों पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर लिया है मैंने 2-2 इंच की। सो एक पट्टी हमारे सेंटर में आएगी एंड एक पट्टी का हम फ्रिल बनाएंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना होगा, दोनों पट्टी को, एक पट्टी को फोल्ड करते हुए बीच में लगाना होगा एंड एक पट्टी का छोटे छोटे चुन देंगे, जिसके लिए आप देख लें, मैं इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड कर लूँगी एंड इसके किनारे वाली साइड पे छोटे छोटे चुन दे दूँगी। एंड चुन देते समय ये पट्टी का मेजरमेंट उतना आना चाहिए जितना हमारा पूरा सर्कल नेक का है, उतना आना चाहिए, तो उस हिसाब से आप उतनी लंबी पट्टी ले लीजिए। सो यहाँ पर आप देख ले, पट्टी को फोल्ड करने के बाद छोटे छोटे प्लीट्स दे देंगे। यहाँ पर उस पट्टी को हमने फ्रिल के साथ जोड़ लिया है एंड ये कितना ज़्यादा नीट सा लग रहा है। अब बस इसे गले की ओर लगा लेना होगा। गले की ओर लगाने के लिए आप पीछे से सबसे पहले एक कटिंग कर लें, क्योंकि ये गला काफ़ी छोटा है एंड आपको इंसर्ट करने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो पीछे पे सिलाई देने के बाद, कटिंग करने के बाद, आपने इस तरीके से रखते हुए गोलाई पे सिलाई कर लेनी होगी एंड इससे हमारा जो हाई नेक का पैटर्न है वो बहुत ही सुंदर सा बन जाएगा। आपने इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर आप सिलाई दे दें। गले पे प्लीट्स लगा लेने के बाद अब आस्तीन भी हमारी काफ़ी चौड़ी सी थी, क्योंकि हमने 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था अपने बॉडी मेजरमेंट से। वो इसीलिए क्योंकि हमारी आस्तीन भी काफ़ी लूज एंड उसमें भी काफ़ी प्यारा सा पैटर्न बना हुआ था, इसलिए आप देखें, आपको आस्तीन को बस खोल लेना होगा एंड आस्तीन की जो नीचे की भाग है वहाँ पर छोटे छोटे चुन दे दें। चुन देने के बाद आस्तीन की जो गोलाई का हिस्सा होगा वो आपकी गोलाई के हिसाब से ही आना चाहिए। आप देख लें, मैं इसे खोल लूँगी एंड खोलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा यूज था ऑब्वियसली, तो इसे छोटे छोटे चुन देते हुए आप अपनी साइज़ का बना लें। इससे बहुत ही सुंदर सा पैटर्न क्रिएट होगा जब ये आपकी आस्तीन के रिस्ट पे एकदम अच्छे से टक हो जाएगा एंड जो आपका आस्तीन है उसका फ्लो भी प्यारा लगेगा। एक पट्टी ले ले 2 इंच की, उसे फोल्ड करके किनारे पे रख के सिलाई दे दे। ऐसे ही हमने आस्तीन पे चुन देते हुए पट्टी को भी लगा लिया है, ऐसे ही मैंने दोनों आस्तीन पे कर लिया था।
अब बस आस्तीन पे पैटर्न क्रिएट करने के बाद हमें कपड़े को फ्लिप कर लेना होगा एंड आस्तीन से होते हुए नीचे तक की आप सिलाई दे दें। ऐसे ही हमारा ये टॉप बन जाएगा बहुत ही इजीली, बहुत ही सुंदर से। नीचे की ओर अगर जो पोर्शन है आपका कमर की ओर का वो लूज़ है तो आप एक इलास्टिक अगर लगा लेंगे तो उससे भी प्यार लगेगा, या अगर आपको डेनिम के साथ पहनना है तो उसे डेनिम के अंदर टक कर लें। तो आप देख लें हमारे टॉप का ये ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, बट हम इस टॉप को थोड़ा सा इन्हांस करेंगे। इस टॉप को इन्हांस करने के लिए मैं इस तरह का छोटे से पर्ल्स इस्तेमाल कर लूँगी एंड ऑल ओवर हमारे आस्तीन पे एंड गले की ओर पे लगा लूँगी, जिससे हमारे टॉप का लुक बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड जिस पिक से मैंने इंस्पायर्ड होकर इसे क्रिएट किया था, ये लुक का लाइक कुछ इस तरीके का। सो यहाँ पर ऑल ओवर हमारे टॉप को पर्ल्स के साथ सजाने के बाद इसका लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुका था सिर्फ एक पर्ल्स की हेल्प से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, प्यारा लगे, देन इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। नीचे की किनारी को भी आपको मोड़ लेना होगा एंड ये टॉप कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इसके नीचे मैंने पेयर अप किया है रफल स्कर्ट। आप कोई भी वाइट डेनिम के साथ इसे कैरी करेंगे, स्कर्ट के साथ कैरी करेंगे, बहुत ही सुंदर लगेगा। वीडियो पसंद आई देन इसे लाइक ज़रूर से कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।